आपकी कुछ लघु कथाएं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। लघु कथा दरअसल मैं आपको, जैसा कि पता है, जिंदगी बिल्कुल वैसी तो है नहीं जैसा कि हम चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वो कोट नहीं करने वाली कि जो आपको पसंद है वो नहीं मिला तो जो मिला है उसी को पसंद कर लो। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम जो कल्पना करने वाले हैं ना, वो जिंदगी को एक बार फिर जीते हैं, और एक बार नहीं, बार बार जी लेते हैं, और फिर अपनी कल्पना की दुनिया में, अपनी काल्पनिक दुनिया में उसके अंत को थोड़ा सा काटते हैं, उसकी शुरुआत को थोड़ा सा छांटते हैं, उसकी पूरी यात्रा का बदलाव कर देते हैं, और जो सामने प्रस्तुत होता है वो एक कहानी होती है, और फिर उसको हम एक पन्ने पर उतार लेते हैं, एक अच्छी खासी कथा कहानी होती है। तो जिंदगी से मिले हुए अनुभवों को हम किस प्रकार लघु कथा या कहानी या अन्य रचनाओं में परिवर्तित करते हैं, यह उसकी बात है। मैं कुछ लघु कथाएं आज लेके आई हूँ। वैसे मैं गद्य में इंटरेस्टेड रहती हूँ, गद्य ज़्यादा लिखना पसंद करती हूँ, और आज मैं आप सबके सामने लघु कथाएं लेकर आई हूँ। तो अब चूंकि मेरे पास गुड नंबर ऑफ श्रोता हैं, यहाँ पे अच्छे नंबर 15 लोग करीब देख रहे हैं, तो मैं अपनी लघु कथा शुरू करती हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल से मैं सबको पहले वेव कर देती हूँ और मीनाक्षी को हाय कर देती हूँ। शारदा जी नमस्कार, प्रणाम आपको, और बजरंग सोनी जी भी हैं, आपको भी नमस्कार। देवेंद्र जोशी जी नमस्कार, और आभार आपका कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया। जैसा कि सुबह मैंने ट्रायल लिया था, मेरी आवाज़ बहुत बुलंद आ रही थी और अभी भी आ रही होगी, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है? तो मेरी पहली लघु कथा, रियर व्यू मिरर। सीमा अपना यह रूप देखकर चौंक गई थी। अतीत से कितनी बातें आ आकर उसके कान में हंस दी। उसने भी उसमें से एक हंसी स्वयं उसकी भी तो है ना। स्टीरियो का वॉल्यूम कम कर उसने स्पीड जरा कम कर दी। विचारों के शोर पर ध्यान जा अटका था उसका। विचारों के हर एक शब्द जैसे हथौड़े के चोट हों। वह जब भी किसी को कार का शीशा नीचे कर बाहर गर्दन निकाल पान या गुटखा थूकते देखती तो जरूर कोसती, ये हैं पढ़े लिखे लोग, चाहे कार ही में सवार हो जाएं, लक्षण तो दो कौड़ी की भी नहीं। यही लोग फिर शहर देश की गंदगी पर लेक्चर भी झाड़ते मिल जाते हैं, दूसरों को कोसते मिल जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, वो तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो एरोप्लेन की खिड़की से भी। उस दिन मेरे इस तर्क पर सब कैसे हंस पड़े थे ना, सीमा सोच रही है। मानसरोवर का मोड़ हो या त्रिवेणी चौराहे का लाल बत्ती, कार स्वतः ही चल रही थी, रुक रही थी, जैसे सीमा के मस्तिष्क में अपनी ही छवि, अपने ही विचार छाया चित्र से चलते हुए वह देख रही थी, सुन रही थी। घर, दफ्तर, सहेलियों में इस विषय पर जब भी बात होती तो सीमा पुरजोर अपने विचार रखती आई। जिससे पूछो वही ढेर सारे इतने ऐसे वाक्य बता देगा जब किसी वाहन चालक के इस थूकने की आदत से अजीबोगरीब स्थिति न उत्पन्न हुई हो, है कि नहीं? और नहीं तो हुआ यह था कि आज दोपहर दफ्तर में खाना खाने के बाद सीमा हमेशा की तरह मिस्ट्री सौंफ फांकने को डिबिया टटोलने लगी। ओह, आज दूसरा पर्स ले आई। कुछ देर टटोलने पर उसे पर्स में एक इलायची मिल गई थी। इलायची मुंह में डाल काला चश्मा चढ़ा उसने अपनी ऑरेंज बलेनों निकालते हुए अपने आप को मिरर में देखा। स्मार्ट, ठसकेदार मुस्कुराहट लिए वह FM का वॉल्यूम जरा बढ़ा। अभी अगले मोड़ तक ही पहुंची थी कि आ छी, लगता है पुरानी थी इलायची, यक, कितनी कड़वी। करती हुई उसने झट से कार की विंडो नीचे कर थूक ही रही थी कि उसकी नजर रियर व्यू मिरर में खुद ही पर पड़ गई। तभी से वह अपना यह रूप देखकर चौंक गई है। यह थी मेरी पहली लघु कथा। कैलाश मनहर जी नमस्कार, महेश जी को भी मैं नमस्ते करती हूँ, आप सभी को प्रणाम। सतीश छिपा जी भी आ चुके हैं। विमला नागला जी हाय, कैसी हैं आप? यह थी मेरी पहली लघु कथा रियर व्यू, जिसमें कि जो सीमा है वह रियर व्यू मिरर में अपने आप को देखकर बहुत ही रियर तक चली गई, पीछे तक चली गई अपने आप को देखती हुई। मुझे यहाँ पे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी का कमेंट नहीं देख पाऊँ, तो हालांकि मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ
सोनू चौधरी भी दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि मैंने कमेंट वाला साइड में कहीं कर दिया हो, टेक्निकल कोई रीजन हो। खैर, मैं अपनी अगली लघु कथा आपके सामने लेकर आती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है ठहरी हुई दोस्ती। तुम आजकल प्रज्ञा से नहीं मिलते? नीरज चुप रहा। बातचीत भी नहीं है शायद, सागर जानना चाहता था। नीरज फोल्डर से बिल अमाउंट्स चेक कर अपने वॉलेट से पैसे निकालने में व्यस्त हो गया। तू ऐसे कैसे बिहेव करता है, कुछ समझ ही नहीं आता? सागर की आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। प्रज्ञा कितनी परेशान है, तुझे पता भी है? मतलब बिना बात कोई इतनी पक्की दोस्ती तोड़ देता है क्या? तुम दोनों की दोस्ती से तो हम सारे भी इतने इंस्पायर्ड रहे हैं। यहाँ तो साला हर दोस्ती का कोई ना कोई मतलब रहता है। कोई भी लड़का लड़की साथ हैं तो जोड़ी बना देते हैं, कपल ही मानते हैं सब जने। एक तुम दोनों को देखकर लगता है कि इसे कहते हैं मेच्योरिटी, एकदम सच्चे वाले दोस्त। सागर के चेहरे पर एक गर्व की सी अनुभूति साफ दिखाई पड़ रही थी। नीरज एकदम चिढ़ गया। चल चल, बंद कर अपनी बकवास, और बाइक स्टार्ट कर दी। सागर तो बिदक ही गया। उसने बाइक की चाबी निकाल ली। आज तो साले तुझसे पूछ कर ही रहूंगा, बता कब तक चलेगा ऐसा? क्या कैसा चलेगा? नीरज खुद से ही थक गया था। यही तुम दोनों के बीच? सागर नीरज की आंखों में झांकते हुए कहा। नीरज कुछ पल तो उसकी तरफ देखता रहा, फिर नीचे अपने पैरों की तरफ उसकी निगाह कहीं खो गई, जहां वह लेदर के जूते से जाने क्या घास कुरेदने लगा था। सागर नीरज के नजदीक आ कंधे पर हाथ रखते हुए ऐसे खड़ा हो गया जैसे प्यार से पूछ रहा हो, बता ना यार। धीरज बड़ी धीमे स्वर में बस यही कह पाया, क्या बताऊं दोस्त, हमारी दोस्ती ठहर गई थी, अटक गई थी, दोस्ती से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको कहानी का मर्म समझ आया होगा, या फिर मैं समझाने में सफल रही होंगी। मुझे किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे, और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये कमेंट नहीं दिखाई दे। ओह गुड, ओह माय गॉड, आ गया आ गया, मेरे सारे कमेंट्स आ गए। शशि पाठक जी थैंक यू, और सुषमा भी है, धन्यवाद आपका तालियों के लिए। और इतने सारे कमेंट्स मैंने छोड़ कैसे दिए? ओहो, एनीवेज मैंने अपनी दो लघु कथाएं सुनाई आपको, और मैं अगली लघु कथा के लिए चलती हूँ। मेरी अगली लघु कथा फूल पर है, फूल की नियति। हाय सोनू, बढ़िया लगी? कौन सी कहानी अच्छी लगी? थैंक यू महेश जी। सुशीला शर्मा जी नमस्कार, निर्मला गैलर जी नमस्कार, थैंक यू मैम, वीना चौहान मैडम, मेरे देखो उत्साह दुगुना हो गया जी। सत्यनारायण जी नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, मैं अपनी अगली लघु कथा प्रस्तुत करती हूँ, और मैंने आपको जैसा बताया शीर्षक है फूल की नियति। आजकल वो बहुत खुश रहता है। शहर के छुटभैया से एक डील जो हो गई है, महीने का कम से कम एक दो बड़ा ऑर्डर अब पक्का ही समझो। अभी अगले हफ्ते में कभी भी माल सप्लाई करना पड़ सकता है। कौनो बहुत बड़े नेता पूरे 11 महीने बाद जेल से छूटेंगे, बहुत बड़ी रैली निकलेगी उनके स्वागत में, एंड जेल के दरवाजे से लेकर पार्टी के दफ्तर तक, वह सोच रहा था। वह एहतियातन बाग में एक बार चक्कर लगा आया। कम से कम 3,000 माला और 5 बोरी फूल पहुंचाना है। बड़ा खुश है वह। ओ बिटिया, का पढ़ रही हो? पढ़ 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 लिख कर नेक और बड़ा आदमी बनना है तो को। अब की बेर तोरे लिए साइकिल। बापू देखो तो कितनी सुंदर कविता। हम कहाँ पढ़ सकत हैं बिटिया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो। फूल की चाह, चाह नहीं मैं सुर बाला के। वह धम से वहीं बैठ गया। बिटिया से कह कहकर फिर वही कविता फूल की चाह सुन रहा है। एक एक शब्द को सही सही समझना चाहता है। लगता है इस बार उसका अगली कमाई खोनी पड़ेगी उसको।
लघुकथा का जो ये अंत किया है मैंने वो सही ढंग से नहीं किया, लेकिन बाकी लघुकथा तो आपको मैंने ठीक से बता दी है। फूल की नियति पढ़ते हुए, बच्ची के मुंह से सुनते हुए उसके मन में जो विचार चल रहे हैं या उसे उसने जो निश्चय किया है वो कैसा है, उस बात पे है ये कहानी। वीना चौहान मैडम को आदर्श भरी कहानियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, थैंक यू मैम। हाँ, ये शहर के छुटभैया, कस्बे के छुटभैया मीनाक्षी। हाँ, हम छुट बहनों के बारे में बात करते हैं, है ना। खैर, मैं अपनी अगली लघु कथा मैं प्रस्तुत करती हूँ और इस लघु कथा का शीर्षक है अपशब्द। आप सभी को कहानी के भीतर कहीं मैं अगर नजर आऊं तो ये बहुत ही स्वाभाविक है, आप देखिएगा। नरेंद्र लाटा जी बोल रहे हैं कि डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक आप सबसे कनेक्टेड है। हाँ, तो शीर्षक है अप शब्द। वह नई नई लेखिका है, लघु कथाएं लिखती है, कथाओं के केंद्र में होते हैं बड़े मासूम से सवालात। क्या करे, जिंदगी में अनुभव का घेरा जितना था वही तो झलकेगा लेखन में। हाँ, सोचती बहुत है, एकदम गहराई से, सपने एकदम नादान से उसके, जैसे हंसते हुए फूलों की क्यारियां, चहचहाती सुबह और गुलाल से नहाई शाम, सबकी आंखों में तारों भरा आसमान देखना चाहती है वो। तो नतीजा यह हुआ कि उसकी कथाओं में जो ग्रे शेड के पात्र होते हैं ना, वो भी उतने ही क्यूट, मतलब हर कहानी का अंत सुखद और पाठक का मन हल्का हल्का। लिखने पढ़ने का अंजाम यह हुआ कि अब हर जगह आंखें खोल सब देखती रहती है, अखबारों में भी खोद खोद कर हालात तौलते रहती है। अब अखबार तो अखबार ही ना है साहब, सो कई बार मन उद्वेलित हो जाता है। बलात्कार की खबरों से तो उसका मन चित्कार कर उठता है। समाज के इस रूप की तो कल्पना भी नहीं थी, पर वह जानती है हर समस्या का एक हल होता है। उसने भी एक समाधान ढूंढा, कहना तो कहानी ही के रूप में था ना, सो उसने कथा वस्तु सोचा, पात्र गढ़े और लिखने लगी संवाद। अब बात यह थी कि इतने काले पात्र के संवाद भी तो अपशब्दों से भरे होने चाहिए और लेखिका इस क्षेत्र में एकदम शून्य। ऐसा नहीं कि वह कभी सुनी पढ़ी नहीं थी गालियां, मगर कभी मन में भी नहीं दोहराया था उन भैया शब्दों को। हद से हद वह साला, गधा या स्टूपिड ही कहती। अब क्या करें, उसने इसका भी समाधान निकाला। वो क्या, सुनो, मैंने आज जो कहानी लिखी है ना, वह तुम्हें एक शर्त पर ही दिखा पाऊंगी। साहब ने कहा, वो क्या, मैंने संवादों के बीच बीच कुछ खाली स्थान छोड़ दिए हैं, वह तुम भर दो ना, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज। यह थी मेरी लघु कथा अपशब्द। कि अपशब्द लिखना, कहानियों में इसका इस्तेमाल करना या ग्रे शेड को इस्तेमाल करना कितना कष्टकर है एक लेखिका के लिए, जो कि लेखिका अभी होना ही चाह रही है, अभी लेखिका हुई नहीं है, और उसके लिए कितने सारे व्यवधान हैं रास्ते में, कितने सारे बाधाएं हैं। थैंक यू सुषमा। नीलम शर्मा दी, हाउ आर यू, मैं आपको वेव कर रही हूँ। ठीक है, तो अनुभव का घेरा, हाँ मीनाक्षी, ये अनुभव का घेरा ही है। हाँ, अपशब्द और साहब, यही तो सब क्या बोलते हैं, प्रेडिकमेंट, विडंबना है कि साहब को सारे अपशब्द मालूम है और मैं आशा करती हूँ कि वो लिख भी देंगे मेरी कहानियों में। हाँ महेश जी, यही बात कह रही हूँ मैं कि मुझे अपशब्द लिखने में कितनी तकलीफ होगी या एक नई लेखिका के लिए कहानी गढ़ने में कहाँ कहाँ असुविधाएं हो रही है। खैर, आते हैं अगली लघु कथा पर। बहुत सारी लघु कथाएं सुनेंगे तो कहीं परेशान नहीं हो जाए आप, लघु कथाएं तो छोटी छोटी होगी ना। तो अगली लघु कथा का शीर्षक है उंगली छुड़ाना। संवादों के बीच खाली स्थान, जी सुरेंद्र जी, संवादों को तो मैं लिख दूंगी, लेकिन वो जो खाली स्थान है ना, वो कौन भरेगा। तो अगली जो लघु कथा है, दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैं ना तो
कविता पढ़ी हूँ और उपन्यास वगैरह मैं शौक के मारे पढ़ी, लेकिन अभी जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि लघु कथा के क्या मानक होते हैं, कहानी की क्या रूपरेखा होती है, कविताओं में क्या छंद और ये सब होता है। मैंने तो बस अपने मन के भाव व्यक्त कर दिए, पर यह मेरा भाग्य सौभाग्य रहा कि मेरी कुछ कथाएं, जिसको कि मैं कथा नहीं समझती थी कि ये लघु कथा है, उनको मैंने जब प्रतियोगिताओं में भेजी तो मेरी लघु कथाएं बहुत सराही गई और मुझे लगातार इस पर पुरस्कार मिले। तो मुझे समझ में आया कि लघु कथा के नियम क्या होते हैं। अब पिछले 2-3 साल से तो मैं बहुत सारे जनों को फॉलो कर रही हूँ, और अग्रवाल सर जो हैं और मधुदीप गुप्ता जी हैं और बहुत सारे जने मुझे गाइड करते रहते हैं कि लघु कथा के मानक क्या हैं। तो मेरे ख्याल से मेरी ये जो लघु कथाएं हैं ये उन मानकों पे खरी उतर रही हैं। आप सब जो मार्गदर्शन देना चाहें या कुछ त्रुटि दिखाना चाहें, मैं बाद में मैसेजेस में ज़रूर पढ़ूंगी, आपसे भी मैं मार्गदर्शन चाहती हूँ जी। तो अगली लघु कथा, उंगली छुड़ाना। देखो ना भाभी, आप ही समझाओ अब भैया को, हनी रुआसी हो गई थी। तुमने भी क्या जिद पकड़ ली है, रौनक के कंधे पर थपकी लगाती रीमा बोली, जमाना कितना तो बदल रहा है, और फिर जब नंदोई जी को कोई गुरेज नहीं है। ज्यादा शाह मत दो तुम उसको, रौनक एकदम बिफर पड़ा। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोला, धानी अपैरल से इसे 2 अच्छे सूट दिला लाना, और हाँ क्रेडिट कार्ड ले जाना, तनिष्क से कान के बूंदे भी दिलाना। नहीं चाहिए मुझे कुछ, पैर पटकती हुई हनी ने कमरे में जा दरवाजा धड़ाम से भड़क लिया। इतना लाड़ प्यार रखते हो उससे और अब इतनी सी बात पर, तुम्हें इसे इतनी सी बात कहती हो तुम? सरनेम नहीं बदलना कोई जरा सी बात है? तुमने नहीं बदला सरनेम शादी के बाद? कहो, रौनक गुस्से में कहे जा रहा था। अरे मेरी बात अलग है, हनी हमेशा से थोड़ा अलग सोचती रहती है, 5 वर्षों से देख रही हूँ एकदम आत्मनिर्भर है हर मामले में। मैं भी जन्म से देख रहा हूँ उसको, रौनक जुबान पर आती बात को घोट गया। सरनेम चेंज करने से क्या होता है, क्या बेटियों से वंश आगे नहीं बढ़ता? हाँ, रीमा के दिल का दर्द उबलने को था। वंश तो आगे बढ़ता ही है, बेटा हो या बेटी, बायोलॉजिकली वंश तो आगे बढ़ता ही है। फिर जब तुम खुद जानते हो, खुद मानते हो, फिर क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ, मगर तुम भी कुछ दिमाग लगाओ यार। आज वह पापा का सरनेम चाहती है तो कल को, रौनक की आवाज़ जरा दब गई, कल को दोनों मकानों में से भी एक मांग लेगी वो। आज उंगली पकड़ना चाहती है, कल बस। तभी से रीमा भाभी अपनी प्यारी ननद को समझाने में लगी है, रहने दो ना, जब भाई नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारे क्या फर्क पड़ जाएगा, चाहे ये सरनेम हो या वो, हमारे लिए तो तू हमेशा लाडली हनी ही रहेगी ना। बहुत दिक्कत होती है सरकारी कागजात आदि में सब बदलाव करने में, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जॉब, सब जगह। अपनी हर छोटी छोटी बात पर रीमा भाभी को हमेशा साथ पाने वाली हनी भौचक रह गई थी कि आखिर उन्हें हो क्या गया है जी। उंगली छुड़ाना। उषा लोहिया जी, उजाला लोहिया जी, नमस्कार, धन्यवाद सुषमा, तुम अपनी दोस्ती निभाती हो तारीफ करके, हाँ कि सच में। अच्छा, बजरंग सोनी जी भी बोल रहे हैं उम्दा पाठ, धन्यवाद, आपको पाठ समझ में आए और पसंद आई, और कहानी जो लघु कथा है उसमें क्या दोष है वो भी बताइएगा, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी लघु कथा पसंद आ रही होगी। कैलाश मनोहर जी धन्यवाद, हाँ शंकालु मन की कथा तो अगली लघु कथा पेश करूँ मैं? लघु कथा है जिसका शीर्षक है शुभ लाभ। अगर एक सेकंड क्षण भर का दें तो मैं ये फैन ऑफ कर दूँ, मुझे ठंड लग रही है, एक सेकंड। हाँ औरत की आत्मनिर्भरता ही तो समस्या है, बिल्कुल यही समस्या है कि वो आत्मनिर्भर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे समस्या ये है कि वो आज एक बात को समझ रही है ना, तो कल को वो बहुत सारे अधिकार मानने लग जाएगी,
उसके अधिकार मांगने से समाज डरता है, नहीं तो लाड़ प्यार तो वैसे बहुत मिलता है, चाहे पिता लाड़ प्यार करें, चाहे भाई लाड़ प्यार करें, चाहे समाज लाड़ प्यार करें, सब दिन लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन तब तक ही करते हैं जब तक कि वो अपना अधिकार नहीं मांगती। जैसे ही अधिकार मांगेगी ना, उंगली छुड़ा लेंगे, पोंछा तक पहुँचने नहीं देंगे। हाँ शशि पाठक जी, धन्यवाद, सुंदर लघु कथाएं, ओके थैंक यू। ओके तो अगली, हाँ नीलम शर्मा जी, नाच रहा है मेरा मन मयूर लाजवाब पे। श्रोता केवल श्रोता है, हाँ मैं मानती हूँ सुषमा, लेकिन बस बात कहने को बात कही थी मैंने। हाँ तो शीर्षक है शुभ लाभ। शुभ लाभ कैसा, आइए देखते हैं। इस बार तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। तुम तो इतने व्यस्त रहते हो जैसे काम दुगुना हो गया हो। अरे भगवान, काम तो बढ़ा ही है त्योहारों पर, फिर मेहनत हुई है दुगुनी और मार्जिन आधा रह गया है, इसको कोई काम बढ़ना कहते हैं? सुरसा सा मुंह फाड़ती महंगाई सब खा जाती है। एक रास्ता बताती हूं, इस बार कर्मचारियों की पगार बढ़ोतरी कम करना और दिवाली बोनस भी। सुनीता जी चाय का खाली कप ले रसोई की तरफ चली गई, बाहर से आवाजें आ रही थी। अरे मम्मी के होयो, ओहो फिर टूट गई चप्पल, अब के करूं तो? कोई बात नहीं बेटा, चोराया करने ही टांका दुआ लांगा। और कितना टांका दुआएगी माई न, अब तो नई चप्पल लेर दे। देखना तो लाली आई है क्या, आवाज पहचान कर सुनीता जी आवाज की ओर लपकी। आवाज तो उसी की लग रही है, कन्हैया लाल जी धीमी गति में अखबार पलटते हुए बोले। ये सभी कन्हैया लाल जी जो है ना, अखबार धीमे ही पलटते हैं, झट से खड़े होकर बाहर जाते नहीं है। ओ लाली, बालकनी में आकर सुनीता जी ने मालन को आवाज लगाई। तुमको बोला था ना वो ट्रांसफार्मर के नीचे के सारे झाड़ झंकार साफ कर देना। कॉलोनी में चंद ही खाली प्लॉट थे जहां कच्ची जमीन दिख जाती थी, नहीं तो सारे अपार्टमेंट, बाहर सड़क तक फैले पार्किंग और सड़क के आसपास पूरा का पूरा कंक्रीट या फिर इंटरलॉक टाइल बिछाई हुई थी। जितने पेड़ पौधे थे वे सब छोटे या बड़े गमलों में ही थे, मगर फिर भी यह आषाढ़ का महीना लगते लगते जाने कहां कहां से तो झाड़ झंखाड़ उग ही आते हैं, जाने पीपल कैसे जड़ें जमा लेते हैं। हम बेहद सभी लोगों को यह हरियाली कम और बेतरतीबी से फैला कचरा समान ही लगते हैं। पक्षी भी चहकते उड़ते फिरते अच्छे लगते हैं, मगर बालकनी में कार के ऊपर जगह जगह बीट की गंदगी से परेशान हुए तो तौबा तौबा। भाभी जी एकदम साफ कर दिया सारे झाड़। अब तक लाली पीछे की तरफ से बड़े से मुख्य गेट से घूमकर सुनीता के पास ही आ गई थी। कहाँ साफ कर दिए, वो पीपल तो दिख रहा है ना, है? सुनीता जी मन में कोस रही थी कि यह मालन पैसे तो पूरी लेती है मगर काम में यूं। भाभी जी पीपल तो मैं को नहीं उपाड़ू। अरे तो पीपल का जड़ ट्रांसफार्मर के नीचे नुकसान नहीं करेगा, और फिर हमारा बेसमेंट भी तो? कोई और ना बोल दो, बोल दीजो आप, मारे अठा पीपल की पूजा किया करे हैं, बीमत देवता रो बास होवे है। अरे लेकिन किसी और को पैसा दोगी, इसी को 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, भीतर से कन्हैया लाल जी की आवाज आई। पी सारी बात को नहीं भाभी जी, लाली का चेहरा छोटा सा हो गया था। काम के लिए मना करना उसे कभी भाया नहीं, मगर यहां बात उसके आस्था की थी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आस्था पर चोट पहुंचा कर दुखी नहीं करूंगी तुम्हें। सुनीता जी उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, आखिर आगे भी तो उसी से काम आएगी। अपने बस की कहां है गमलों के नाजुक पौधों का सार संभार। भाभी जी बात कोरी आस्था की है भी कोनी, मैं ठहरी मालन, इस मालन होकर इब मालन होकर तो पेड़ पौधारो महत्व समझना पड़ोगो ना। चाल छोरा, कहती हुई वह साइकिल के पीछे उचक कर बैठ गई। उसका बेटा टूटी हुई चप्पल से सामंजस्य से बैठा पैडल मारता आगे बढ़ गया। जी यह लघु कथा यहाँ समाप्त होती है, और लघु कथा का शीर्षक था शुभ लाभ। टूटी हुई चप्पल के बावजूद भी वह एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाना चाहती, अपने उसूलों पर रहना चाहती है, यह मालन है। ओह
इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी लघु कथाएं सुनकर इंटरनेट भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्या करूं? हाँ कैलाश जी, आप सही कह रहे हैं। मैं जो मुझे किसी ने पहले भी कहा था कि मेरी लघु कथाओं में व्यंग झलकता है, मैं व्यंग की शैली लेती हूँ अक्सर, या मुझे खुद स्वयं को पता नहीं चलता, जब आप लोग बताते हैं तभी पता चलता है। धन्यवाद। और सोनू चौधरी को मेरी प्रस्तुतिकरण अच्छी लग रही है, पेड़ पौधों का महत्व। हाँ पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है, प्रकृति से। और नेटवर्क बहुत स्लो है, नेटवर्क स्लो का क्या कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अगली लघु कथा सुनाती हूँ मैं। और लघु कथा थोड़ा सा डिफरेंट, एक अलग मोड पे लेके चलती हूँ मैं, एक अलग कलेवर की कहानी सुनाती हूँ, लघु कथा सुनाती हूँ मैं आपको। थैंक यू शशि जी, लव यू। शीर्षक है अ लिविंग बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन है पहचानिएगा जरा। डिग्गी पैलेस में जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा दिन खत्म हुआ है और सभी जने बाहर अपने अपने गंतव्य को जा रहे हैं। वहीं कुछ किनारे फुटपाथ पर बैठकर कुछ लोग अपनों का इंतजार भी कर रहे हैं। सुरेखा भी वहीं जगह ढूंढती हुई उस प्रख्यात लेखक को बेंच पर बैठा देख ठिठक गई और फिर हिम्मत बटोरकर बोली, मे आए? श्योर, थैंक्स। यू? जी मैं हिंदी ही में। ओ हाँ हाँ क्यों नहीं जी, मैं ना, मुझे कहानियां कविताएं पसंद है। फोन के लिए, फोन से व्यवधान होने पे माफी चाहती हूँ और मैं अपनी कहानी लोकता आगे बढ़ाती हूँ। तो जी मैं मुझे मुझे कहानी कविताएं पसंद हैं, इसीलिए हिम्मत करके बैठ तो गई थी सुरेखा उनके पास, मगर झिझक बहुत थी। कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं मेरी? जी सॉरी, मुझे ना शीर्षक याद रहते हैं, न चरित्र के नाम, न कहानी और किताब, न ही लेखक के नाम। हा, फिर क्या याद रहता है? कंधे, तोंद और मोटे मोटे गाल हिलाती उनकी चिर परिचित हंसी। सुरेखा को कुछ हिम्मत बंधी। जी बस एक एहसास सा उतरता है अंदर। वैसे मैं जब आपका सेशन अटेंड कर रही थी ना, तब मुझे स्कूल के इंग्लिश कोर्स के ग्रैंडमा एंड पीजन्स की स्टोरी याद आ रही थी, फिर ध्यान आया कि वो तो खुशवंत सिंह जी का लिखा हुआ है। एक वो कहानी है ना जिसमें दादाजी अपने पोते को बड़े प्यार से पतंग बनाकर देते हैं, और द काइट मेकर। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने ही आगे बात बढ़ाई, कोई भूत भूत वाली कहानी नहीं पढ़ी है मेरी? पढ़ी है ना, सुरेखा तपाक से बोल पड़ी। वो शिमला की वादियों में जब एक लेखक अपनी खिड़की से देखता है दूर कोई लड़की पेड़ पर लटक गई थी, उस कहानी में अंत में लेखक के हाथ में एक अंगूठी रह जाती है जो विश्वास दिलाती है कि वो सचमुच उस लड़की से मिला था, जो किसी बच्चे ही की तरह कहानी के हिस्सों को सुनते हुए वो लेखक सेंटा क्लॉज की तरह हो हो हंसने लगते हैं और सुरेखा को फोन पर टाइम चेक करते हुए देख लेते हैं। सुरेखा अचकचा जाती है, दरअसल बैक में स्प्रेन है सो मेरे हस्बैंड लेने छोड़ने आते हैं, उन्हीं का इंतजार है। लो ये कॉम्बी फ्लेम ले लो, आधे घंटे में राहत मिल जाएगी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। ऑल्सो थैंक्स टू FB वेयर आई गेट टू रीड लॉट्स ऑफ योर स्टोरीज, ऑल्दो ट्रांसलेटेड इन हिंदी। नाउ नाउ I heard someone talking in English. Ha ha ha, that's right. Once the conversation floats, my confidence builds up. Moreover, I did a courageous act today. And may I know what was that? Asked you to allow me to sit beside you. कहते हुए सुरेखा का चेहरा लाल हो रहा था और हथेलियां गर्म थीं। डर के आगे जीत जैसा महसूस हो रहा था। Great. वे छोटी छोटी आंखों से सुरेखा की आंखों में झांकते हुए बोले, Yeah, otherwise all this happens but only in my imagination, in my dreams. Oh, that's interesting. So, see, is that your husband? हाँ हाँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ, excuse me. Sorry dear, ज़्यादा wait तो नहीं करना पड़ा?
लैंप पोस्ट के नीचे कार पार्क करके उतरते हुए सुरेखा के पति ने कहा, अरे नहीं, तुम इधर आओ, देखो ना, देखो देखो मैं किसके साथ बैठी थी, रस्किन बॉन्ड हिमसेल्फ। सुरेखा उत्साह में अपने पति का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए बोली जा रही थी, कहाँ, तुम तो अकेली बैठी थी अभी। हाँ, सुरेखा ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उफ, मेरी कल्पनाएं, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। सारा उत्साह काफूर हो गया था और वह घूमकर कार में सवार हो गई। कार का दरवाजा बंद करते हुए कॉम्बी फ्लेम मुंह में डाला और, अरे तुमने टैबलेट खरीद ली। मैं भी टैबलेट कॉम्बी फ्लेम है मतलब। और तभी जीब्रा क्रॉसिंग के पार खड़े रस्किन बॉन्ड उसी की तरफ देख रहे थे और वेव कर रहे थे। अवाक सुरेखा की हिम्मत ही नहीं थी अपने पति को उस तरफ देखने को कहने की। इस लघु कथा के बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, शायद आप में से अधिकांश जानते होंगे कि रस्किन बॉन्ड भूत प्रेतों की कहानियां बहुत लिखते हैं, और रस्किन बॉन्ड के सेशन अटेंड करने के बाद मुझे एग्जैक्टली ऐसा सूझा कि मैं ये कहानी लिखूं, तो यह भी भूत प्रेतों के ऊपर। पर लेट मी टेल यू, रस्किन बॉन्ड इज लिविंग, इज येट लिविंग, वो अभी भी शिमला में रह रहे हैं। पर मैंने उनको भेजी भी थी यह कहानी, पर मिलती कहाँ है, मेरा भाग्य भी इतना कहाँ कि उनको मिले और वो रिप्लाई प्राप्त करूँ मैं। मुझे गुलाब का फूल दे रहे हैं सुषमा जी, थैंक यू सो मच। रामेश्वर चौधरी, एकदम हिम्मत नहीं होती पीपल उखाड़ने की। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, पीपल का जो पेड़ रहता है उसको उखाड़ने की हिम्मत लोग नहीं करते। इसके पीछे विश्वास है कि इसको नहीं उखाड़ा जाना चाहिए, और शायद इसके पीछे का विश्वास के पीछे मालन ने जो रीज़न बताया वह रीज़न भी स्ट्रांग है। लघु कथा समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। जी कैलाश बड़ौदा जी, धन्यवाद, आपने लघु कथा के मर्म को समझा और यहाँ पे प्रस्तुत किया। जब धर्म और धर्म में युद्ध होता है तो अक्सर जीत धर्म की होती है। हाँ सही कह रही हो सुषमा। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि समय पूरा हो गया है और आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से 5 मिनट ऊपर हो रहे हैं, और क्या मैं अगली लघु कथा ले सकती हूँ, यह डिपेंड करता है आप सब पे कि मैं समय का अतिक्रमण कर सकती हूँ क्या। हाँ, रस्किन बॉन्ड प्रकृति पर भी बहुत लिखते हैं, जीव जंतुओं पर। जी हाँ, मैंने भी रस्किन बॉन्ड पर पढ़ा था। नमस्ते शिल्पी, कैसी हो। मैंने भी रस्किन बॉन्ड जी का पढ़ा, तो अक्सर हाथियों पर और प्रकृति की बहुत अच्छा विवरण देते हैं वो, उनकी कहानियां जब भी पढ़ते हैं तो प्रकृति के बहुत अच्छे विवरण मिलता है उसमें। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी लघु कथा को भी, और लघु कथा मैं आपको एक और प्रस्तुत करती हूँ। हाँ मसूरी में रहते हैं सत्यनारायण जी, प्रणाम। हाँ वो मसूरी में रहते हैं, अच्छा शिमला में नहीं रहते, मसूरी में रहते, ओह मिस्टेक, माई मिस्टेक, सॉरी फॉर देट। हाँ तो फिर मैंने कहाँ भेजा था मेरा एड्रेस, लेट मी चेक, मैं चेक करती हूँ, मसूरी में भेजूंगी इस बार, किसी बेकर शॉप में वो अक्सर जाते रहते हैं ऐसे मैंने पढ़ा था। हाँ तो अक्सर नहीं, हमेशा, ओके शकुंतला जी बता रही हैं कि वे हमेशा वहीं जाते हैं, ओके क्या पता इस बार भाग्य चमक जाए। धन्यवाद देवेंद्र जी, मैं एक दो लघु कथाएं और पढ़ती हूँ। शीर्षक है मिस यूज। तू नकल कर रही है। अरे नहीं मम्मी, तो ये क्या कर रही है। वो अभिजीत है ना मेरी क्लास में, उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था, वही करके दे रही हूं। तू उसका काम क्यों कर रही है। रीना ने मम्मी की बात अनसुनी कर दी। कभी अभिजीत की कॉपी, कभी राकेश की कॉपी, मिसेज मेहरा है कि बड़बड़ाए ही जा रही थी। तू बस दूसरों ही के काम करती रहा कर, खुद की पढ़ाई लिखाई, खुद का खेलना कूदना तो सूझता ही नहीं, मेरी बात तो तेरे पल्ले पड़ती ही नहीं। क्या बात है भाई, आज छुट्टी के दिन भी क्या चैंचे लगा रखी है तुमने। मिस्टर मेहरा अखबार समेटते हुए बालकनी से भीतर चाय की तलब में आए। सुनो जी, आपकी बिटिया को देख लो, सबके काम करके देती रहती है, और वे सब कभी खेल में तो कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, सर्टिफिकेट लेके आते हैं, प्राइज लाते हैं। इसकी अकल में इतनी सी बात नहीं आती कि वे सब इसका मिसयूज करते रहते हैं। रीना ने अपना पेन पटका और सामने बोली, मम्मी
आप भी तो अपनी मेडिकल की सारी स्टडीज एक तरफ करके पापा की रेडीमेड शॉप का मैनेजमेंट देखती रहती हो, और जब तक मन मारकर रह जाती हो कि बस कहने को ही डॉक्टर हूं। पापा भी तो बिजनेस ट्रिप पर कभी यहां कभी वहां जाते हैं, और आप पीछे आप जा नहीं पाती हो, पीछे देखने के लिए भी तो कोई चाहिए कहकर हमेशा काम में भिड़ी रहती हो। मिसेस और मिस्टर मेहरा अकबकाए से कभी बिटिया को तो कभी एक दूसरे को देखने लगे। मिसयूज, हम जब दूसरों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी जिंदगी में क्या कुछ घट रहा है उसका एहसास भी नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद शिल्पी, प्रस्तुति तुमको पसंद आई, रस्किन बॉन्ड हुआ। हाँ हाँ, नरेंद्र लाला जी, रस्किन बॉन्ड की कहानी लिखी थी मैंने। वह बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग गए हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि पिछले 3-4 महीनों में इनको हो क्या गया है, दिन हो या रात, जब देखो शायद मेरी कहानी से वो भी परेशान हो गए। हालांकि मेरी कहानी बाहर सुनाई नहीं दे रही है। एक और यह मैं एक आखिरी लघु कथा लेती हूँ और इसके बाद मैं आप सभी से विदाई लूंगी क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। और यह जो लघु कथा है यह थोड़ी सी मेरी अन्य लघु कथाओं से थोड़ी बड़ी है और यह साहित्य गुंजन में या दैनिक भास्कर में इसको जगह भी मिली थी। शीर्षक है नया डर। जच्चा बच्चा वार्ड में सुशीला को आज 3रा दिन था। उसके नवजात बेटे को श्वास की नली में कोई समस्या आ गई थी जिसे लेकर घर वाले गुजर की थड़ी जेके लॉन अस्पताल लेकर गए थे। सुशीला को अपने तन की दर्द की सुध नहीं थी, वह तो मन से ही उखड़ी हुई थी। पहले भी उसका एक बेटा किसी जन्मजात जटिलता की वजह से 4 महीने का होने से पहले ही गुजर गया था। फिर उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, 4 बरस की है वो। सुशीला अब और संतान पैदा नहीं करना चाहती थी, मगर ईश्वर ने कोख भले ही उसे दी थी मगर उसकी कोख पर अधिकार तो ससुराल वालों का था ना। एक अकेली संतान का क्या जीवन, और फिर बिटिया है, अपने बुढ़ापे की नहीं तो बच्ची की तरफ तो देखो, 2 संतान तो होनी ही चाहिए। समाज भी जैसे ससुराल वालों की ही रोटी खाता हो उस पर बराबर दबाव बनाए हुए था। घर में तो घर में, घर से बाहर भी किसी तरह चैन नहीं था। वार त्योहार तो जैसे मुसीबत बनकर ही दहलीज पर चढ़ते। पतिदेव तो पहले से ही समर्पण किए बैठे थे, आखिर उसने भी हाथ ऊपर कर दिए। उसने अपना काम कर दिया था, बच्चे को जन्म दे दिया था। खुशी की बात यह थी कि बेटा हुआ था, एक बेटा एक बेटी, परिवार पूरा। वह खुश थी तो पति एवं परिवार वालों की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। परंतु कल रात से ही शिशु की तबीयत नासाज थी। आज तो उसे बच्चों के बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए जेके लोन ले जाना पड़ा। वह बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी है, बोली नहीं फूट रही मुंह से, परंतु उसका मन हाहाकार कर रहा है। हे प्रभु, बेटा दिया है, चाहे बेटी दे देता, पर स्वास्थ्य तो देता, सब ठीक कर दो भगवान। 9 महीने पेट में रखने के बाद कैसे मुंह छुड़ाया जाए, पिछला घाव भी लिए बैठी हूं दिल में, अब की नहीं। नंदिनी भाभी बोलती हैं उसकी सासू माँ को, काकी जी, छोरा को जब तक दूसरे अस्पताल ले गए हैं आप घर चलकर नहा धो लो, 3 दिन हो गए आपको। यहाँ गांधी पथ पर 1.5 किलोमीटर पर ही है मेरा घर, काम धाम निपटाकर जल्दी से जल्दी 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। बगल वाले बिस्तर पर की जच्चा को नजर रखने की कह के भाभी और सास चले गए। सुशीला ने देखा बगल वाली महिला खुद नहा कर आई थी और चोटी बना कुर्ती कांठली बदलकर एकदम स्वस्थ लग रही थी। वह अपनी नवजात को दूध पिला अभी बस सुला ही रही है, उसका पति अभी अभी निकला है अस्पताल से ऑफिस जाने को। सुशीला को अपनी तरफ देखती हुई वह महिला देख लेती है और मुस्कुराती है, फिर धीरे से कहती है, आज शाम को छुट्टी मिल जाएगी मुझे, 5 दिन हो गए ना। दो पल को मन ही मन मुदित होते हुए फिर बोली, मुझे भी बेटा हुआ है। उसके चेहरे पर चमक थी और बेहद खूबसूरत मुस्कान। बेटा हो या बेटी, बच्चा स्वस्थ हो तो सब अच्छा, सुशीला की आवाज में और बात में दर्द था। अरे काहे का अच्छा, वह महिला कोई मर्म की बात कहती प्रतीत हुई। पहले ही 2 बेटियां हैं मेरी, अगर अब की भी छोरी हो जाती तो मुझे फिर चौथी बार उसी नरक से गुजरना पड़ता। अब तो हाथ की हाथ ऑपरेशन करा लिया।
सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गई। वह अभी तक अपने ही भय से घबराई हुई थी, इस नए डर का वह कैसे सामना करेगी? ससुराल वालों की पिछली जिद, समाज वालों का सारा व्यवहार और इन सब के आगे उसके पति का झुकता व्यक्तित्व उसकी आंखों के आगे घूम गया और अगले ही पल अंधकार छा गया। यह थी उसकी उसका नया डर। उसका अपना तो डर था ही कि बच्चे को ठीक कर दो, लेकिन एक नया डर उसे घिर कर आ गया कि फिर से नरक से गुजरना पड़ेगा। थैंक यू सुनीता बिश्नोलिया, कैसी हो? सुमन कुमावत जी, हाँ कहानी थोड़ी दर्दनाक है और मार्मिक है, लेकिन इस कथा की सच्चाई हम आसपास अगर आंख खोलकर देखेंगे तो ये सच्चाई हम सबके नज़र सामने नज़र आएगी कि बेटी एक हो, दो हो, तीसरी हो तो चौथी बार पांचवी बार वापस से नरक से गुजरना होता है एक महिला को, लेकिन बेटा होता ही तो आपको संतुष्टि रहती है। अच्छा दो बेटे हैं ना, फिर ठीक है, फिर तीसरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नए डर का सामना कैसे करेगी? सही बात है, यही नया डर है। आप सब ने लगभग 45 मिनट तक मुझे सुना, मुझे आश्चर्य हो रहा है, खुशी हो रही है। मैं समझती हूँ कि मेरी लघु कथाएं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, मैं समझा पाई होंगी, मैं अच्छे से पढ़ पाई होंगी और लघु कथाओं का मर्म प्रेषित हो पाया होगा और आपने इस संवाद का मजा भी लिया होगा, आनंद भी उठाया होगा। आशा करती हूँ कि फिर जल्दी ही मिलेंगे और कोरोना के इस काल में हम एक सच्ची के सभागार में नहीं मिलते हैं तो क्या हुआ, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, तकनीक का और मंचों का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि हम सब एक दूसरे को इस प्रकार देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं और हमारी जो रचनाएं हैं वो आगे तक प्रेषित हो पा रही हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जन सरोकार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, देवेंद्र जोशी जी का आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी लेखकों, श्रोताओं और कलम नवीशों का और सभी कहानी सुनने वालों का, कहानी प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं चलूँ? हाँ रामेश्वर चौधरी जी, नया डर या आम सच्चाई है? आम सच्चाई है, आप सही कह रहे हैं। मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।